तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। ये क्लास सुबह डेली सुबह आती है जिसके अंदर हम लोग करते हैं 25 क्वेश्चन हिंदी के। इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि आने वाले कुछ समय के बाद जब हम डेली प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो हिंदी जैसा एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि डेली ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है जो यूपीएससी लेवल के हैं, यूपी ट्रिपल एससी के हैं, या फिर यूपी पुलिस हुए, या फिर आप लेखपाल कह लें, या फिर जेल वार्डन, इन सभी एग्जामों के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है। सो इसमें आप अपने पूरे से पूरे नंबर बना सकते हैं एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन है काशी का 80 किसकी रचना है। काशी का 80 इनमें से किसकी रचना है, गोविंद मिश्र, संदीप लोटलीकर, काशीनाथ सिंह या भगवान दास मोरवाल। तो ये है काशीनाथ सिंह की, काशी का 80 काशीनाथ सिंह, नाम भी थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है तो याद करने में आसानी रहेगी। काशी का 80 काशीनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद चैप्टर आपका हो चुका है और मैं बता चुका हूं कि संधि विच्छेद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी हेल्प से आप वर्तनी भी करते हैं। फिलहाल आपको बताना है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपको याद होगा कि इसमें देखो ओ दिख रहा है, छोटा ओ। अब छोटा ओ का निर्माण किससे होता है, या तो विसर्ग से होता है जो कि विसर्ग संधि में आती है, या फिर स्वर संधि से होता है। क्लियर है, मतलब कि ऑटोमेटिक अपने साथ नहीं आता। क्लियर है, तो यहां देखो तेजस में हमें विसर्ग नजर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी, तेजो प्लस मैं, क्या बनेगा, तेजो मैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। तो उसका बिल्कुल सही आपने सोच लिया होगा आंसर, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कई बार बच्चे इसमें सुमित्रा कुमारी चौहान आंसर लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है, सही आंसर है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है, कौन सा शब्द अंगना शब्द का समानार्थी है। तो अंगना का जो समानार्थी होगा, क्या स्त्री है, पल्लू, आंगन या फिर गांव। सही आंसर है आंगन, अंगना, ठीक है ना। गाना भी सुना होगा, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, सुना नहीं, देखना अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। तो अंगना या फिर आंगन, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है जल प्राण पुत्र किसके अनेकार्थी हैं, इनमें से किसी एक के अनेकार्थी हैं। देखो औषधि है, औषधि के नहीं है, तत्व के नहीं है, संसार के, सॉरी सार के भी नहीं है, ये है जीवन के। जीवन के अनेक अर्थी क्या हो सकते हैं, जल हो सकता है, प्राण हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। तो तीनों ही इसके आंसर के लिए क्या मैच हो रहा है, जीवन। 5 का डी आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, तो देखते हैं क्या इसका आंसर अनुप्रास अलंकार है। कई बार बच्चे देखेंगे इसमें ई ई ई आया है तो सोचेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है उपमा अलंकार। क्लियर है, क्या है, उपमा अलंकार, ठीक है। ये इस शब्द से पहचानने में आता सी से, ठीक है। इसकी जब चैप्टर होगा तभी से समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक है और हमारी हिंदी की क्लासेस अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप अपने डाउट्स को क्लियर और अच्छे से कर सकते हैं। अगर यहीं पर सब डाउट क्लियर कर लेंगे तो क्लास 40-45 मिनट की होने लगेगी, जिससे कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल आंसर है 6 का ए, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पिशाची अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से। तो इसका सही आंसर है अर्धमागधी से। काफी ही अच्छा और गहराई भरा क्वेश्चन है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, सही आंसर है 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा क्रम है जिसके अंदर व्रतमुखी नहीं है। आओ देखो आ ऊ
ओ ओ, सभी में हमारे होठों की शेप कैसी हो रही है, गोल हो रही है, मतलब व्रतमुखी है। तो व्रतमुखी कौन सा नहीं है, आ, इसके अंदर होठों की शेप है वो गोल नहीं होती। इसमें देखो ऊ ओ ओ, होठ क्या होते हैं थोड़ी राउंड शेप में आ जाते हैं, पर आ बोलने में ऐसा नहीं होता। सही आंसर क्या है, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मैं आपको पर्सनली बता दूं ना, यही सेम इसी गेहूं पिस रहा है वाले के साथ कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकर्मक क्रिया बतानी है, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। अब इसकी पहचान बहुत ही ईजी है, इसीलिए बता देता हूँ हाथों हाथ। जिसमें भी अगर आपको सकर्मक का पता चलना है तो क्या और किसको, इन दोनों सवाल पूछ लो, अगर इनके आंसर मिल गए तो समझ लो सकर्मक है वरना अकर्मक है। कैसे, देखो इसमें क्या पूछा है कि अकर्मक बतानी है, तो इसका मतलब कोई एक अकर्मक है बाकी सब सकर्मक है। मैं बालक को जगवाता हूं, मैं किसको जगवाता हूं, बालक को, आंसर मिलेगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, मदन को, सॉरी गोपाल को, आंसर मिला। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो हमें इस प्रकार के जब आंसर मिल जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये पता करना है जिसमें आंसर नहीं मिला। पहला फैक्ट, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आपको याद रखना चाहिए कर्ता और कर्म, क्लियर है, इसके अंदर कर्म नहीं है, जो यही है यही कर्ता है और यही कर्म है। तो आप पहचानेंगे क्या आंसर है, 9 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है, अधुनातन का विलोम शब्द है, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, नंबर बी भूतकालिक, नंबर सी पुरातन और नंबर डी है विगतकालीन। देखिए अधुनातन का जो होगा वो होगा पुरातन, क्या होगा पुरातन, अधुनातन पुरातन, जैसे पुरातन विभाग, पुरातात्विक विभाग है ना, सुना होगा ना, तो ये होगा पुरातन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था क्या है, बताना है आपको घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था क्या है, ये है घनिष्ठर। अब आप कह रहे होंगे सर उत्तर अवस्था क्या होती है, ये तो हमने कभी नहीं देखी, ये आती है आपके विशेषण में, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तीन फेज होते हैं, पॉजिटिव, फिर आता है कंपरेटिव, फिर आता है सुपरलेटिव, है ना। तो ऐसे ही तीन अवस्थाएं होती हैं हिंदी के अंदर भी, ठीक है। तो उसमें से उत्तर अवस्था के बारे में पूछा गया, ये है घनिष्ठर, क्या है घनिष्ठर, घनिष्ठ का घनिष्ठतर। जब इसके टॉपिक में आएंगे तब इस चीज को हम भी अच्छे से समझाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, पता करते हैं क्या है इसकी बात। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है, देखते हैं। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना। सारे गलत है, नीचे के पहला सही है। किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, मतलब आए किसी और काम के लिए और काम कोई और सा करने लगे, तो इसका मतलब क्या था कि आए हरि भजन ओटल लगे कपास, क्लियर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि क्या आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। छायावाद एक युग है, टाइम पीरियड है, तो छायावाद युग को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा जी ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। 14 हमसे कहता है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है, मतलब सूरदास और काव्यदास जो थे वो कौन सी भाषा में लिखा करते थे, क्या वो प्राकृत लिखते थे, संस्कृत लिखते थे, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा। तो सही आंसर है ब्रज भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। लिखा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैं आपको फिर से बता दूं, इस प्रकार का क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में मिला, छंद कितने प्रकार के, शब्द कितने प्रकार के, सर्वनाम कितने प्रकार के, संज्ञा कितने प्रकार की, वाक्य कितने प्रकार के, तो ये बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, बच्चा कन्फ्यूज आता है। मैं हर वीडियो में ये बात को क्लियरफाई करता हूँ, तो इन्हें इतने कंठस्थ याद कर लेना कि भूले ना भूलें ये चीज़ें। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो फिलहाल जो हमारे सामने आंसर है, छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लिखा है 16 के अंदर,
दोहे और रोले को क्रम से है मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? देखिए, जब दो छंदों को मिलाकर एक छंद बनता है तो, और उसमें से भी एक दोहा हो और दूसरा रोला हो या रोले हो, तो वो बनता है कुंडलिया। कौन सा बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लिखा है टे डे 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 वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, शायद आंसर बच्चों को ना पता हो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, तो छोड़ देते हैं, ये एग्जाम में छोड़ जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं फिर, क्योंकि ये कई बार किताबों में डायरेक्ट नहीं मिल पाते, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट में मिल पाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ओज। याद रखना टे ठे डे डे वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? यह है ओज गुण से। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। आप जो भी प्रैक्टिस सेट आपने करे होंगे, बहुत ही कम बच्चों को इसका सही आंसर पता होगा। क्लियर है? फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान यह होती है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। देखो, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है ही नहीं। नेताजी भाषण देकर चले गए, सिंपल। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये है डिपेंड। डिपेंड है कैसे पता चलेगा? कि दो सेंटेंस दिए होंगे, किसी एक को ढककर देखो तो आपके मन में क्यूरियोसिटी उठेगी कि क्या अगर मैं इतना ढक लूं, सेठ जानता है कि, अगर मैं इतना सेंटेंस ढक लूं आगे का और बोलूं सेठ जानता है कि, तो मन में क्यूरियोसिटी उठेगी नहीं उठेगी कि क्या जानता है भैया, है ना? तो जब ये क्यूरियोसिटी मन में उठे, समझ जाना मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। सबसे आसान और सस्ता तरीका है पहचानने का। क्लियर है? क्या किसी और में ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? मैं यहां ढक लूं इसलिए अंधेरा था, मैंने कहा बिजली नहीं थी, बात खत्म हो गई, है ना? क्यूरियोसिटी नहीं उठ रही ना मन में, यहां पर उठ रही है सेठ जानते हैं कि। अब सामने वाला कहेगा कि भाई क्या जानते हैं, ये तो बता कि नौकरी ईमानदार है, है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखते हैं 19 में क्या लिखा है। सृष्टि का विलोम शब्द, बहुत ही बढ़िया, प्रलय, सृष्टि प्रलय, है ना? सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रलय से खत्म हो गया, तो सृष्टि का क्या होता है? प्रलय। ऑप्शन नंबर बी 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, बिल्कुल भी नहीं, सामान्य वर्तमान की बात कर रहा है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, बिल्कुल नहीं, वर्षा हो रही थी, बिल्कुल नहीं, वह कलकत्ता जाता है, यह है सामान्य वर्तमान। और यही वो सामान्य वर्तमान है जिसकी स्टार्टिंग बच्चा सबसे पहले ग्रामर सीखते हुए करता है, इंग्लिश की भी। मनोज स्कूल जाता है, हम पतंग उड़ाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा रोता है, ये सब बोले जाते हैं ना। तो ता है, जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्य आते हैं, याद होगा ना? तो क्या है वो? सामान्य वर्तमान है, एकदम कंफर्म। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अब भावुक मत हो जाना, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? देखो यहां लिखा भी, भाई हो जाओ, भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक, फीलिंग है प्रेम, है ना? डूब मत जाना इसमें भी, पेपर पास नहीं है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लिखा है संकर शब्द का अर्थ है, बहुत ही आसान, तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ये मैंने आपको सिखाया है, क्या है? जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है वह तत्संकर शब्द होता है। जैसे मैंने समझाया था इसके बारे में, रेल गाड़ी, तो रेल कैसा शब्द है? इंग्लिश शब्द है। गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी, एक अंग्रेजी का शब्द मिला, एक हिंदी का मिला, तब जाके रेलगाड़ी शब्द बना। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरह। लिखा है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द तो बहुत है जिनके टुकड़े नहीं होते, पर इसका हो सकता है पाक के लिए शाला, तो मतलब यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और लिखा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मतलब उपसर्ग, देखिए हर टेस्ट में, हर प्रैक्टिस सेट में उपसर्ग का क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यय का, इतने के बाद भी इससे क्वेश्चन छूटे तो भैया डूब मरने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना? लिखा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यह है ओढ़ना। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना शब्द के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखो कैसे, एक शब्द होता है जय, क्या जय,
अब जय का मतलब होता है विजय होना या जय जयकार करना, लेकिन इससे पहले क्या जोड़ दिया, परा, तो क्या हो गया, पराजय मतलब हारना। तो देखो प्रारंभ में जुड़कर मीनिंग चेंज कर दिया, नहीं कर दिया, क्या होता है उपसर्ग जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो एक शब्द था जय, जय के शुरू में हमने क्या जोड़ा, परा जोड़ दिया, तो मीनिंग चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो इस प्रकार की बात कर रहा है। एक शब्द होता है भाव, भाव का मतलब होता है किसी चीज का भाव जानना, रेट है ना, ऐसा होता है ना भाव, मैंने कर दिया प्रभाव, प्र जोड़ दिया, तो क्या बन गया, प्रभाव का मतलब होता है इफेक्ट, क्लियर है। लेकिन ओढ़ना ऐसा शब्द है जिसके अंदर कोई भी उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। सही आंसर है पुरानी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है, पुरानी बांग्ला। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, ये आपके लिए वरदान साबित होंगे भैया, वरदान। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, नीचे की तरफ देखो अगर सब्सक्राइब वाला पोर्शन रेड हो रहा है तो उसे दबाओ, ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा जादू है करके देखो, मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।